हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार का एलईडी बल्ब जो कि 220 वोल्ट एसी में चलता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलो इसका थोड़ा बहुत टेस्ट देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी। तो दोस्तों देख सकते हो, मैं इसको बोर्ड में प्लगिंग कर दिया हूँ और एलईडी बहुत ब्राइटनेस हो गया। चलो तो दोस्तों इंट्रो हो चुका खत्म। सबसे पहले हम ले लेंगे पीवी सीट का बॉक्स जो मैं इसका इस पर बना कर रखा हूँ। यहाँ पर दो होल करके रखा हूँ, यहाँ पर एक काट करके रखा हूँ और यहाँ पर एक होल करके रखा हूँ। तो इसको हम चाहिए, अब हमें चाहिए एक फिल्म सीट कुछ इस प्रकार का जो मैं ऐसे काट कर लिया हूँ, आप अपने हिसाब से काट कर सकते हो। उसके बाद हम चाहिए इस टाइप का एक प्लग वायर, देख सकते हो मैं इसको खरीद लिया हूँ दुकान से। अब हमें चाहिए 24 पीस एलईडी 12-12 करके हैं और मैं इसको पैरल में कनेक्शन करके रखा हूँ। नेगेटिव और पॉजिटिव में पहले से ही सोल्डिंग कर दिया हूँ। अब मैं इसको साइड में रखूँगा और इस एलईडी को पावर देने के लिए मैं यूज़ करूँगा इस प्रकार का एक मोबाइल चार्जर पुराना। ये बहुत हाई क्वालिटी का है और 1 एम्पीयर में है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के मोबाइल चार्जर है, तो इसको साइड रखते हैं। अब हम इसकी पूरा एकदम फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों पहले हम एलईडी को फेविक्रिल से फिक्स कर लेंगे और वायर को इस साइड साइड कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर रेड वाला है पॉजिटिव और ब्लैक वाला है नेगेटिव तो देख सकते हो। अब हम वायर को यहाँ से निकाल देंगे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मैं इस वायर को छील लिया हूँ, अब हम मोबाइल चार्जर के साथ कनेक्शन करेंगे। कहीं देख सकते हो आप यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हो और इस वाले कैपेसिटर से भी आउटपुट ले सकते हो। मैं फिलहाल कैपेसिटर से ही लूँगा। इस साइड नेगेटिव है, उस साइड पॉजिटिव लिखा हुआ मिलेगा आपको कैपेसिटर में। ये नेगेटिव पॉजिटिव आप देख के सोल्डिंग कर देना, तो मैं फटाफट सोल्डिंग कर दूँगा। इससे पहले हम पेस्ट देंगे क्योंकि पेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। हम इसको ध्यान से सोल्डिंग करेंगे, अगर शॉर्ट हो गया तो हमारा एलईडी बल्ब नहीं ग्लो करेगी और चार्जर भी ख़राब हो सकती है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सोल्डिंग हम ध्यान से करते हैं। तो देख सकते हो सोल्डिंग हमारा हो चुका है। तो ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैं सोल्डिंग कर देगा नेगेटिव पॉजिटिव को देखते हुए। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसके इनपुट देंगे, तो पहले इसको थोड़ा साफ कर लेंगे। तो मैं इसको इनपुट देने के लिए हम यूज़ करेंगे इस वाला केबल को। इसको हम थोड़ा ट्विस्ट करेंगे और इसको यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे। उससे पहले हम इसको पेस्ट दे देंगे। अब हम इसको यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे इन दोनों पॉइंट पर। तो मैं इसका सोल्डिंग बहुत अच्छे से करूँगा। तो ये हमारा हो चुका है सोल्डिंग। तो दोस्तों कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी एक बार टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है इसकी। तो एक बात मैं बता दूँ, इसका जो सर्किट है ये मैं चेंज कर दिया हूँ क्योंकि ये जो पुराना सर्किट था वो ख़राब हो चुका था। तो ये वाला सर्किट तो मैं इसको चेंज कर दिया हूँ। ये एकदम ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे ख़राब हो चुकी है। इसके लिए मैं इसको चेंज कर दूँ और नया लगा दूँ। अब हम इसको डबल टेप देंगे और यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो आप कर सकते हो कुछ ग्लू गन से भी फिक्स कर सकते हो। मैं इसको फिर से एक बार टेस्ट करूँगा, बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है इसकी। हमें वायर के डालेंगे और ऊपर का जो पीवी सीट है इसको लगा देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी नया वीडियो बनाने के। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं इसको चिपका दूँगा फेविक्विक से फटाफट। उसके बाद हम इसके ऊपर का फिल्म सीट है उसको लगा देंगे। तो ये वाला फिल्म सीट इस स्टेप से हम लगाएंगे। तो मैं इसको मैंने पहले से काट करके रखा हूँ और एक बात यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पर हमारा रहेगी साइड चिपका हुआ, तो मैं इसको फटाफट चिपका दूंगा फेविक्विक के द्वारा। तो दोस्तों देख सकते हो इसका फिटिंग हो चुका है। साइड में मैं कुछ नहीं देने वाला क्योंकि साइड में हमारा आँखों में रोशनी लगेगी नहीं, तो इसलिए मैं साइड में नहीं दूंगा। अब हम इसको टेस्टिंग करेंगे। तो देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है। अब हम इसको एक बार रूम में टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है इसकी। आप चाहते हो इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसानी से ये बन के रेडी हो जाती है। तो अब हम इसको नाइट टेस्ट करेंगे घर में। तो देख सकते हो मैं इसको दीवार पर फिट कर दिया हूँ डबल टेप के द्वारा और प्लगिंग कर दिया हूँ। हम इसको ऑन करेंगे स्विच को तो ये ग्लो करेगी। तो देख सकते हो ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना। इसका ब्राइटनेस बहुत ही तगड़ी वाली है, एक रूम के लिए इनाफ है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है इसकी। तो ऐसे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है और साइड में थोड़ा बहुत आँखों में रोशनी लग रही है बट कुछ नहीं उससे। आप चाहो तो साइड में दे सकते हो पीवी सीट और फ्लेम सीट कुछ भी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।